गांव की सरकार, जिसके तहत होगी गांव की पड़ताल। देखेंगे कि क्या ग्राम प्रधानों ने गांव का किया है विकास, या फिर जमकर हुआ है सरकारी पैसे का दुरुपयोग। यहां खुलेगा जनता के प्रतिनिधियों का चिट्ठा, सिर्फ द दस्तक 24 पर। नमस्कार, आज हम डिस्ट्रिक्ट बदायूं के विकासखंड जगत के एक ग्राम पंचायत मूसा झागमर पहुंचे हैं। हमारे यहाँ के मूसा झाग ग्राम पंचायत के प्रत्याशी सत्यवीर सिंह यहाँ के खड़े हुए हैं। अब इनसे हम जवाब लेते हैं कि जनता के लिए कितना आगे को विकास कर पाएंगे, और जनता इन्हें सपोर्ट कर रही है। और इनसे पूछते हैं, हम बात भी करते हैं कि अपनी मर्जी से प्रधानी पद पर आए हुए हैं या जनता ने सपोर्ट किया है। बात करते हैं, आइए। क्या नाम है सर आपका? सत्यवीर सिंह। सत्यवीर सिंह, तो ये आप कौन से पद पर खड़े हुए हैं? ग्राम पंचायत अध्यक्ष पद के लिए, यानी प्रधान पद के लिए। प्रधान पद के लिए। इससे पहले कोई चुनाव लड़ा था? इससे पहले पूर्व बीडीसी था, इस समय मौजूद हालत में बीटीसी मतलब बीटीसी थे आप जी, पहले जी। जीते हुए हैं जी, जनता ने आपको बीटीसी जिता कर यहाँ का बहुत अच्छे मतों से जिताया, बहुत अच्छे मतों से। अब आप प्रधान पद पे आए जी, तो यहाँ की जो जनता है आपको सपोर्ट कर रही है या फिर अपनी मर्जी से खड़े हुए? नहीं नहीं, अगर जनता सपोर्ट नहीं करती तो हम मैदान में क्यों आते? जनता में सपोर्ट कर रही है जनता, जनता ने सपोर्ट किया तभी तो जीते थे पिछले बार, तभी तो जीते थे जी। और इस बार भी जनता सपोर्ट कर रही है, जनता सपोर्ट कर रही है। ऊपर वाले का आशीर्वाद है, जनता की सपोर्ट से 100% जीत जाऊँ, अच्छे मतों से जीतने की उम्मीद रखता हूँ। जनता भी सपोर्ट कर रही है, और पिछली बार भी बीटीसी जीते हुए हैं जी जी। अब प्रधानी पद पे आए हुए हैं और जनता इन्हें बहुत अच्छी तरह से सपोर्ट कर रही है। अब जीत कर आते हैं प्रधानी, तो आगे को जनता के हित में क्या क्या कर पाएंगे आप? मेरा विचार है, जनता के हित में जो अब तक वंचित या शोषित रहे हैं ना, जो आज तक विकास की कड़ी में सबसे पीछे खड़े हुए हैं, मैं समझता हूँ उनको पहले वरीयता मिलना चाहिए, जो लायक हैं, जो सिस्टम के आधार पर जिनको मिलना चाहिए ना विकास मिलना चाहिए, उनके लिए पहले वरीयता देनी चाहिए। गाँव के अंदर ऐसे कितने लोग रह गए हैं इनके लिए शौचालय और आवास नहीं मिले? आवास तो तकरीबन, आवास तो मेरी नज़र में कोई 2-4 ही बने होंगे फिलहाल, मेरी नज़र में तो आवास बने ही नहीं है, बने ही नहीं। पिछली जो पंचवर्षीय आपसे पहले पूर्व जो भी रहे हो प्रधान, लगभग शौचालय भी, लगभग शौचालयों की बहुत कमी रही है तो रही है। हाँ, 25% रह गए हैं, उसमें भी कमियां हैं बहुत सारी, बहुत कमियां। हाँ, काफी कमियां ऐसी हैं, जैसे कोई व्यक्ति है उस शौचालय की लाइक स्थिति है नहीं उसकी, और उसे मिलना चाहिए, उसे शौचालय नहीं मिला। ऐसे कई लोग हैं जो मेरे पास आए कि हमें शौचालय नहीं मिला है, तो मैंने कहा आप ये आपके अंदर मन में है कि आगे को मैं जीत के आऊं और मुझे जनता जिता के यहाँ पर लाए, तो ज्यादा से ज्यादा विकास करें, ज्यादा से ज्यादा जितना मेरा प्रयास रहेगा सिस्टम में, सरकार से और जैसे भी जो हुई है, मैं ज्यादा से ज्यादा लाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, हमारी सत्यवीर जी से बात हुई है। नमस्कार जी।